सबसे पहले बॉलीवुड फ्लैश में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं, किस तरह की फिल्म है? 100 फिल्म है, आई एम श्योर आपके लिए स्पेशल तो होगी, लेकिन क्या 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 चीज़ें ऑडियंस को देखने मिलेगी फिल्म? ओके, रंग भरे बादल से ये हिंदी कन्नड़ा दो लैंग्वेज साइमल्टेनियसली बनी थी फिल्म बनी है, जिसमें कन्नड़ा का नाम है हीगे की नींदू रहो गए। मैंने क्या आजकल जो फिल्म आ रही है KGF, पुष्पा और RRR और कई सारी फिल्म आ रही है, नाम एक ही है हर लैंग्वेज, बट मैंने इसमें हर लैंग्वेज में अलग अलग टाइटल दिया है। तो हिंदी में रंग भरे बादल से, कन्नड़ा में हीगे के नेदुरु हुए, तुड़ में मोकी द सिंगारी उन तुवे वैयारी, और कोंकणी में मोक्तु जो कितला शेलो। सो दिस इज 4 लैंग्वेज फिल्म राइट नाउ, सो पैन इंडिया बोल सकते हो। यूजली तमिल तेलुगु मलयालम बस तुलु कोंकणी में बनी है फिल्म। इस ये मेरी 100 फिल्म एज एन एक्टर है, मैंने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया साउथ में और हिंदी में, एंड मेरी 10th फिल्म एज डायरेक्टर। तो इट्स अ वेरी इमोशनल फैमिली फिल्म, एंड इसमें देयर इज़ नो नेगेटिविटी, नो सेक्स, नो ड्रग्स, नो विलन, ऐसा कुछ नहीं है। तो कई सालों बाद ये ऐसी फिल्म आई है जो पूरी पूरी परिवार साथ में थिएटर में घर पे उठी कहीं भी देख सकते हो, और इसको आपको हंसाएगी, मुस्कुराएगी और रुलाएगी ज़रूर, ये तो है, रुलाएगी। और जिस जिस इंडस्ट्री में इस फिल्म देखी, जिसको बागबान और तारे ज़मीन पे पर उन्होंने क्या बोले इसको कंपेयर किया, और इसमें मेरे साथ एस्तर नोराना जो साउथ इंडियन फिल्म में काफ़ी सारी फिल्म काम किया, उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला, और निहाल टावरो जो इंडियन आइडल का फाइनलिस्ट हो चुका, ही इज़ फर्स्ट टाइम एक्टिंग इन द फिल्म। तो दैट्स वन यूनिकनेस, काफ़ी सारे उनके फैंस है जो उन्होंने गा के उनको मनोज का भी एक्टिंग करके उनका दिल जीतेंगे। एंड जैसा बोला मैं सी एस्तर निहाल, और फिर बैंगलोर और मैंगलोर की काफ़ी सारी ऑनसेबल कास्ट है इसमें। एंड इसमें एक यूनिकनेस है जो आपको फिल्म देखने के टाइम पता चलेगा, हम इसका कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं। वेरी स्पेशल थिंग इज द फिल्म, इसमें 3 गाने हैं, एक इंग्लिश गाना है, एक हिंदी गाना है, आशीष कुलकर्णी इंडियन आइडल वाला उसने म्यूजिक कंपोज किया है, एंड मेरा बेटा है सिल्वर और संतोष, ये दोनों ने फिल्म को डायरेक्ट किया, बिकॉज मैं पूरा टाइम हैव टू बी एक्टिंग, सो आई हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिया है मैंने। So how much is it easier, difficult to simultaneously do acting and directing? I've done. इसके पहले भी जो फिल्म किया है मैंने, एक्ट डायरेक्ट किया, बट इसमें क्या है ना, मेरी वेरी इमोशनल फिल्म है, तो मैंने क्या, मैंने जो जिम्मेदारी है, मैंने जो डायरेक्ट करके पहले हम सुबह डिस्कस करते थे दोनों से, ऐसा सीन करना है, ऐसा सीन करना है, तो बिकॉज आई कुडंट गो एवरी टाइम इन बिहाइंड डायरेक्शन, सो उनको एक्सप्लेन करके अंडर माई गाइडेंस में डायरेक्ट किया। सो वेरी हैप्पी कि मेरे बेटा ने मुझे डायरेक्ट किया है फिल्म में, एंड वो भी वो फिल्म मेकिंग में, और मेरा भाई दोस्त है संतोष चावला, जिसने भी उसके साथ मिलकर डायरेक्ट किया। एंड ट्रेलर अभी ऑलरेडी ऑनलाइन मैं रिलीज़ करूँगा, तो लोगों लोग काफ़ी सारे लोग निहाल के फैंस पूछते हैं कब रिलीज़ वगैरह, अभी जाके रेडी हो गई है फिल्म, सो वेरी सून विल बी। हिंदी हम तो OTT रिलीज़ कर रहे हैं, थिएटर में नहीं कर रहे हैं, OTT रिलीज़ करके जो कन्नड़ा लैंग्वेज है वो हम थिएटर में रिलीज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।